हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, 8 क्लास मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट एंड पावर्स का एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। वो ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 4.1 अपलोड कर दिया है, चाहकर आप अपने चेकलिस्ट में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये मैंने अपलोड कर दिया है, सिर्फ एक एक्सरसाइज अपलोड करना आपको बाकी है, ये एक्सरसाइज हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इस क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूंगा, 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, आप देखिए। और इससे पहले सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो आप तक मिलता रहे। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमको इसके बाद एसए 1 की तैयारी भी करना है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इतना बड़ा हमको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसको आसान करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है। तो सबसे पहले आसान वे, बहुत आसान है, ये 947 आपको लिखना है, 947 लिखकर अब क्या करना है, इसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये डिसिमल का 1 और 10 पावर ऑफ क्या डालेंगे, 12 10 पावर ऑफ 12। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको ये 947 है इंटू ए 10 पावर ऑफ, ऊपर गया तो माइनस 12 हो जाएगा, ये आपको पता ही है, 1/a^m का फॉर्मूला, a^-m हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड वाला देखेंगे हम, 543। देखिए यहाँ पर कोई डिवाइड का नंबर नहीं है, ये नंबर और बहुत आसान होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है, ये 543 है, तो 543 इंटू 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह ले सकते हैं, 543 इंटू 10 पावर ऑफ आप क्या लिख सकते हैं, 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, फिर दोबारा से 483, 1 2 3 4 5 है, तो 483 इंटू 1 2 3 4 5, इस तरह आप ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आप लिख क्या लिख सकते हैं, 483 इंटू 10 पावर ऑफ 5 है, तो ये 5 लिख सकते हैं, इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और बिठा दीजिए, दोबारा पॉइंट्स में है। अब आपको क्या करना है, 9298 यहाँ पर लिखना है, 9298 बाई ए डिसिमल का 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 या लिख सकते हैं, इसको आप 9298 बाई 10 पावर ऑफ 8 आप लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 9298 इंटू 10^-8, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म का। चलिए देखिए यहाँ पर भी आप 529 बाई डेसिमल का 1 1 2 3 4 5 6 7, 10^7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप चाहे तो 529 बाई 10^7, दोबारा इसको आप 529 इंटू 10^, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7। आपको यही फार्मूला a^m = 1/a^-m = a^m, इसमें आपको अप्लाई करना होगा। इस तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। अभी हम जो करें उसका उल्टा करना है इसको, अभी जो हम फॉर्म लिए उसका उल्टा कर। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 437 इंटू 10^5, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 4.37 इंटू 10^5 है। अब यहाँ पर आप चेंज इसको क्या करेंगे, 437 लिखकर ए डिसिमल का 1, ये 2 पॉइंट्स है, 100 इंटू 10^5। अगले स्टेप में आप ये एज इट इज़ लिखेंगे, 437 बाई
ये 100 इंटू, यहाँ पर 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर टू जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 437 इंटू यहाँ पर कितने 1 2 3 जीरोस, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 437 3 जीरोस लिख सकते हैं, ये आपका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5.8, इसको 58 बाई डिसिमल का 1 10 इंटू 10^7, ये 58 बाई 10 इंटू 0 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7, 10 और 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 58 1 58, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह आपको लिखना है। चलिए उसके बाद ये देखिए 3 32.5 × 10^-4, अब इसको क्या कर सकते हैं 32.5 को 325 बाई ए डिसिमल का क्या लिख सकते हैं आप 1 10 इंटू 10^-4 को 1/10^4 लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपके पास अप्लाई करना है 1/a^m, इस तरह आपको लेना है। अब देखिए अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 325/10 इंटू 1/10 माने 0 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए 325/10 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 जीरोस हो जाएंगे, 5 जीरोस। अब इसको उल्टा करना है, तो पहले पॉइंट ये 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ पर 0 0 3 2 5, ये 3 2 5, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखिए 3.71529 × 10^7, अब इसको आप 3.71529 बाई ए डिसिमल का 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू यहाँ पे 10^7 माने 1 2 3 4 5 6 7, ये 5, ये 1 2 3 4 5, ये 5 चले गए, क्या बचा यहाँ पे 2 जीरोस बचे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.71529, ये 2 जीरोस, ये आपका फॉर्म आ गया। ये देखिए डायरेक्ट है, ये यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 37, ये 3789 इंटू, इसको हम क्या करेंगे 10^5, इस तरह लिखेंगे, ए फॉर्म है आपका 1/a^m, ए फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3789 इंटू 1/05, 1 2 3 4 5। अब इसको पलटा देंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो यहाँ पर 5 आना है, ऑलरेडी 4 गिवन है, 0 लेकर 3789, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं 2 24 36 बाई पॉइंट का 1 decimal, ये 2 जीरोस इंटू 10^-3 है, तो 1/10^3 आप लिख सकते हैं, ये 2 4 3 6 बाई 100 इंटू 1/10 को 3 जीरोस, इस तरह आ जाएंगे, ये 3 जीरोस हो गए। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 4 3 6 बाई ये 1, ये 3 और 2 जीरोस पूरे 5 जीरोस हो जाएंगे। अब पलटा देना है इसको, 1 2 3 4 5 है, तो 0 डालकर ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, तो 10 आ जाएगा, 2 4 3 6 आ जाएगा, इस तरह आप इसका डिसिमल होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको फिर दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या दिया, साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 0.0000004 एम दे दिया, मीटर्स दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसको आप 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 4 बाई ये डिसिमल का 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 बाई 10^7, इसको 10^7, फिर दोबारा 4 इसको ऊपर लेके जाएंगे, 10^ क्या हो जाएगा -7, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए साइज ऑफ द ब्लड, यहाँ पर m लिखना है, यहाँ पर m लिखना है, m लिख लीजिए। चलिए साइज ऑफ द
रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ पर क्या दे रखा है 0.000007 mm दे रखा है। अब आप क्या कर सकते हैं, 7 by decimal का 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अगले स्टेप में 7 by 10 power of 6, अब इस नेक्स्ट स्टेप में 7 by 7 into, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, -10 power of -6 mm, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए द स्पीड ऑफ द लाइट, यहाँ पे 3000000 m/s यहाँ पर आपको दे रखा है, तो बहुत ही आसानी यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हम लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10^8 लिख सकते हैं, 3 × 10^8, ख़त्म हो गया ये आंसर, इतना है, ये मीटर्स बाय सेकंड आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फोर्थ बिट, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 3844670000 m, यहाँ पर क्या दे रखा है, और उसी तरह एप्पल कर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इसको m मीटर्स में, तो 3844673 zeros ये हो गया, और इसको आप किस तरह लिखेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे 3844670 × 1 2 3 10^3, बस हो गया ये आंसर, इसको यहीं पर आप लिख सकते हैं। ये देखिए अब 0.000016 है, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 1 6 16 भाई, अभी हम पढ़े 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19 20 ये 20, इसको भी हम काउंट करेंगे, ये टोटल यहाँ तक आप गिनिए पूरे 20 होंगे, 16 by 10^20 आप लिख सकते हैं, 10^20, अब इसको चेंज करेंगे 16 × 10^ क्या हो जाएगा, ऊपर गया तो -20, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बिट हम देखेंगे, थिकनेस ऑफ ए पीस ऑफ ए पेपर 0.0016 है, 0.0016, तो आप इसको क्या करेंगे 0.0016 यहाँ पर क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है सेंटीमीटर से हम लिखेंगे, ये 16 by 1 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको चेंज करेंगे 16 by 10 4 है तो 10^4, इसको चेंज कीजिए 16 × 10^ ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा -4, इस तरह आप इसको लिखना है। एक और बेटा देखिए 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 centimeters, इसको चेंज करेंगे 5 by decimal का 1 1 2 3 4 5 6 10^6, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10^ ऊपर लेके जाएंगे तो -6, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या देखा है, इन ए पैक वेयर आर 5 books, एक पैक में 5 books है, ईच ऑफ द थिकनेस 20 mm, एक बुक का थिकनेस 20 mm है हर बुक का, और एंड 5 paper sheets ईच थिकनेस, और 5 paper sheets है जिसका थिकनेस है 0.mm है, वॉट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द पैक, वो पैक का थिकनेस टोटल कितना है आपको मालूम करना है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला अप्लाई करेंगे 5 books × their thickness, एक हो गया प्लस और 5 papers उसी तरह into their thickness, ये आपको लिखना है थिकनेस, यहाँ लिख लीजिए 5 books × इसका थिकनेस यहाँ पर आपको गिवन है क्या है 20 mm, ये 20 प्लस 5 papers × इसका थिकनेस है आपको यहाँ पर है 0.016, 520 हो जाएगा 100, ये 5 8 5 6 30 5 0 0 3 5 1 5 4 3 8 हो जाएगा और 0 5 0 0.0, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप तो 100 इन
सॉरी प्लस है, ये प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करना है, 100.00 ये आप इसको ऐड करेंगे 0.080 080001, इस तरह आप लेना है 100.080 या 0.8 भी आप लिख सकते हैं, इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके कई बिट्स आपको दे रखा है। राकेश सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, राकेश क्या करा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग, एक्सपोनेंट्स के रास्ते में या एक्सपोनेंट्स के फॉलो में, डू यू एग्री विद द सॉल्यूशन, क्या आप इस सॉल्यूशन से एग्री है नॉट, इसको जस्टिफाई आपको करना है, एग्री है तो यस लिखना है, एग्री नहीं है तो नॉट लिखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स पावर ऑफ माइनस थ्री है, ये बेसिस आर इक्वल पावर शुड बी एडेड करेंगे, माइनस थ्री ए माइनस टू इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ माइनस सिक्स, एक्स पावर ऑफ ये दोनों को ऐड कीजिए माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ माइनस सिक्स, बेसिस आर इक्वल सो पावर्स आल्सो इक्वल, माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये दोनों बराबर है नहीं है तो इसलिए माइनस फाइव नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स, सो आई एम नॉट एग्री, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि मैं एग्री नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट एक और बिट करेंगे, यहाँ पर दे रखा है एक्स पावर ऑफ टू, अब ये कौन से फॉर्म है, ए पावर ऑफ एम बाई ए पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए पावर ऑफ एम ऊपर गया तो प्लस एन सॉरी माइनस एन, तो यहाँ पर एक्स पावर ऑफ थ्री इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस टू, ये एक्स पावर ऑफ फोर, एक्स पावर ऑफ इन दोनों को माइनस कीजिए वन, एक्स पावर ऑफ फोर, एक्स और एक्स कैंसिल, वन इज इक्वल टू फोर, ये दो इक्वल है नहीं है तो इसलिए आप क्या करेंगे, वन नॉट इक्वल टू फोर, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, सो आई एम नॉट एग्री, ये आपको लिखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक्स पावर ऑफ टू पावर ऑफ थ्री है, तो एक्स पावर ऑफ टू थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, पहले ये दोनों को लेंगे बाद में ये दोनों को लेंगे, ये दो पहले अगर इक्वल हुए तो समझ जाना कि आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं पर हम छोड़ दे सकते हैं। एक्स पावर ऑफ सिक्स, एक्स पावर ऑफ ए टू को थ्री टाइम, एक्स पावर ऑफ टू इंटू टू इंटू टू, एक्स पावर ऑफ सिक्स इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ टू टू द फोर टू क्या हो जाएगा, एट, ये दोनों कैंसिल, सिक्स इज इक्वल टू एट, ये दो बराबर है नहीं है तो यहाँ पर सिक्स नॉट इक्वल टू एट, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, सो आई एम नॉट एग्री, ये आपको लिखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टू पावर ऑफ, देखिए इसको हम क्या करेंगे, वन बाई एक्स पावर ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ वन बाई टू लिखेंगे, एक्स पावर ऑफ वन बाई टू, अब देखिए यहाँ पर एक्स पावर ऑफ टू या आपको स्टेप एक कम कर देना है तो एज इट इज लिखिए, एक्स पावर ऑफ माइनस टू एक्स पावर ऑफ वन बाई टू लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल, माइनस टू इज इक्वल टू वन बाई टू, ये दो बराबर है नहीं है तो माइनस टू नॉट इक्वल टू वन बाई टू, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, सो आई एम नॉट एग्रीड, ये आपको लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, थ्री पावर ऑफ माइनस एक्स है यहाँ पर, तो थ्री पावर ऑफ ए माइनस एक्स को वन बाई एक्स लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू इसको वन बाई थ्री इंटू वन बाई एक्स आप लिख सकते हैं, ये वन बाई एक्स कैंसिल, थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री बच जाएगा, ये दो बराबर है नहीं है तो थ्री नॉट इक्वल टू वन बाई थ्री, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज फॉल्स, सो आई एम नॉट एग्रीड, ये हो गया। तो इस तरह आप सॉल्व करना है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ऑल द बेस्ट।